आजा। माई 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 माई। अरे कन्ना मीठा खाएगा बिटुआ? शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से, हे प्रभु क्षमा करना हमारे कानों को जिन्होंने इस घोर पाप को सुना। घोर पाप! अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। दया करो मालिक, दया करो, फूल होएगा, दया करो मालिक। अब इस बालक के कारण गांव में अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, महामारी फैलेगी, गांव वाले ताही ताही करेंगे। इस शूद्र बालक ने शिव जी के महामंत्र को दूषित कर दिया, घनघोर पाप किया। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो इस गांव को, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। ताही दूर करो भाइयों, इस पापी के पापों की सजा पूरे गांव को भुगतने नहीं देंगे हम। पंचायत बुलाई जाए। हाँ, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए। भैया सुना है इका फैसला महाराजा करिए। सुना तो है भैया, अब देखो का करत है।
गांव वालों, आज हम सभी पर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में, क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं है। और इस नीच बालक ने तो अपनी जिह्वा से मंत्रों का उच्चारण ही कर डाला। इसलिए अब इस गांव को किसी भी दैवी आपदा से सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं। इसलिए हम सभी गांव वाले महाराज से विनती करेंगे कि वे अपने पुण्य प्रताप से हम सभी गांव वालों की रक्षा करें। महाराज का अंतिम निर्णय ही हम सभी पंचों का निर्णय होगा। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने इस विपदा से निपटने के लिए जप और ध्यान शुरू कर दिया है। इसके लिए महाराज ने यह तय किया है कि एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए, परंतु केवल यज्ञ करने मात्र से ही इस विपदा को नहीं टाला जा सकता। इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया खंडित कर दिया जाए, अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। अभी गांव छोड़ के चले जाएंगे वाले कभी ना लौट के आए। Hey,